परेशान ना हुआ करो मेरे सुनी भाइयों, परेशान ना हुआ करो। हम इस जरिए मुकद्दस को चूमते हैं, तुम यही कहते हो ना, इसे साबित करो। भाई मक्के जाते हो ना, तब आप करते हो हजरे अस्वद को चूमते हो, पत्थर ही तो है, पत्थर ही तो है। वो पत्थर क्या हो साहब, वो किसी मलक की याद दिला रहा है। कैसे याद दिला रहा है, पूरी तकलील हो जाएगी। मैं बस बिना तस्बीह और बिना देर किए हुए दो जुमले, उसे चूमने के बाद पैगंबर से लेकर सारे आइमा ने कहा है कि तुम्हारे हाथों के निशान मौजूद हो जाते हैं। भाई टेक्नोलॉजी तो अब बढ़ी, अब पता चला सैमसंग ने एक ऐसा टेबलेट ईजाद किया है जो आपके फिंगरप्रिंट ले लेता है, और लेने के बाद जब तक आपका फिंगरप्रिंट ना मिले तब तक वो मोबाइल ओपन नहीं होता। समझ रहे ना, चलता है ना ये तो 1400 बरस के बाद टेक्नोलॉजी आई। हमारे यहाँ तो हजरे अस्वद में ये पहले से है। हाथ रखा, उसका भी नक्शा ले लिया। हुक्म हुआ अगर भीड़ हो और तुम हाथ न रख सको तो हाथ उठाओ, जैसे औरतें बलाएं लेती है ना बच्चों की दूर से, हाथ उठाओ। उठे हुए हाथ से पता चल जाता है मौला का चाहने वाला है या दुश्मन का मानने वाला है। हाथ उठाओ, उसकी भी स्क्रीनिंग हो जाती है। याद रखना, तुम कभी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि तुम उस हरी के मानने वाले हो कि दुनिया के लीडर जब बात करते हैं तो कहते हैं मैं सुन के बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। अली जब बोलता है तो कहता है मैं देख के बोल रहा हूँ। काश मैं समझा पाऊँ इस एक जुमले को, काश मैं तुम्हें समझा पाऊँ इस एक जुमले को। अली जब बोलता है कहता है मैं देख के बोल रहा हूँ, देख के बोल रहा हूँ। इस जुमले को सही समझने के लिए हूँ को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो बोल रहा है कि मैं देख के बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि वो मौजूद है, उसका मतलब ये है कि वो मौजूद है। अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो शिया के 5 बरस के बच्चे से पूछना कि इमाम कितने हैं, तो वो ये नहीं कहता 11, 12 है। कहता है 12 इमाम हैं। नबी मर गए, नबूवतें खत्म हो गई, मेरे इमाम कल भी जिंदा था, मेरा इमाम आज भी जिंदा। तुम पढ़े मोहम्मद वाले